छठा अध्याय प्रारंभ। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक के से आज्ञा हुआ जीव आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भाशय आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, वह सब मुझे बताते की कृपा करें। श्री भगवान कृष्ण बोले, स्त्री पुरुष के समान समागम से स्त्री का करज और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। जब जीव जिस तरह जन्म लेता है उसके विषय में मैं बताता हूँ। स्त्री के ऋतु काल में मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मारने से इंद्र की हत्या लगी। इंद्र ने उसे चार विभाग पर पृथ्वी, जल और वक्ष और स्त्रियों को क्रम में दे दिया। स्त्रियों में ऋतु काल आने से पुत्रादि की उत्पत्ति होती है। इस कारण स्त्रियां 3 दिन अपवित्र रहती हैं। पुत्र ऋतु काल में प्रथम दिन की स्त्री चंडालनी, दूसरे दिन की ब्रह्मघातनी के समान तथा तीसरे दिन की दिन धोबिन के समान होती है। इन तीन दिन में नरक से आए हुए जीव पैदा होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारण पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित यौन से क्रोधों के सदृश 5 रात्रि से बद्रवृत सदृश और 10 दिन की पर बद्री फल के समान कठिन तरंतर मांस पिंडाकार होता है हुआ योनि के अंदर अंडे के आकारवत होता है। 1 महीने में मस्तक, 2 महीने में भुजा आदि अंग बनते हैं। 3 महीने में नख, रोम, चर्म, हड्डी, लिंग, दशाद्वार के छिद्र। 4 महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीने में भूख प्यास उत्पन्न होती है। 6वें माह में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुचित में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न आदि से बढ़ता हुआ गर्भ जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहां कृमि जीव के काटने से सब अंग नष्ट कष्ट पाते हैं। वह बार बार मूर्छित भी हो जाता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवणयुक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों की को बहुत कष्ट पहुंचता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेषण होता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों के से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की तरह माता की कुक्षिक में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों को स्मरण करता है हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी सांस लेता रहता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख मिल सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवृत वह कृषि की कल्प के जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विलख प्राणी में भगवान की स्तुति करता रहता है जिन्होंने उसको माता के रुदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु में द्वारा चलित होकर वह निष्ठा विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़ों की तरह एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, लक्ष्मीपति संसार के आधार अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कुलरात्रि में कुल त्रयी में इनका और यह मेरे यह अभिमान
यह अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैं कुटुम्बकम के लिए शुभ कर्म किए हैं, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला तुम दुख उठा रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि के पृथक को तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ और जठर रागी में जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा कराता हुआ, मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दिन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ जिनसे मुख्य पुनः संसार में चक्कर में ना आना पड़े। मैं माता के गर्भ से ही कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर अपने चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसी बुद्धि वाले एवं स्तुति कराते हुए इस 10 माह के ऋषि उस जीव को प्रस्तुत वायु प्रवेश में के लिए तुरंत नीचे की तरफ धकेलती है। प्रस्तुति मार्ग के द्वारा नीचे की तरफ सिर करके अचानक गिराया गया वह आतुर जीव बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता, उसकी स्मृति की भी समाप्त हो जाती है। पृथ्वी पर मल मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में पैदा हुए कीड़े की चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके स्मृति नष्ट को हो जाते के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। जिस तरह बुद्धि गर्भ में रोगादि में शमशान में पुरानी आदियों सुनने में लगती रहती है, वैसी बुद्धि हमेशा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विश्व विवश हो कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था में दुख भी परंतर होकर भुगता है। बालक की इच्छा को समझते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगने पर वह रोने पर समझते हैं बालक का पेट दर्द कर रहा होगा, ऐसा सोचकर माता पिता दवाई देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माँ समझती है कि भूख लगी होगी, ऐसा सोचकर दूध दें दवाई दें इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे पड़ते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता ने बालक को ऐसी खटिया पर सुलाया जिसमें अनेक जीव हैं तो उससे बालक दुख पाता है, परंतु वह उठने में असमर्थ होता है और अपने शरीर को वह खुजा भी नहीं सकता। दंश मच्छर खटमल आदि उस बालक के शरीर का खून पीते हैं, परंतु बालक अज्ञान रहित होकर भी रोता है और अनेक दुख भोगता है। इस तरह 5 साल तक वह बाल्यावस्था में के दुख भोगकर पौगंडावस्था में अध्ययन करते समय दुख भोगता है। इसके बाद वह युवावस्था में दुख भोगता है। वह अनेक प्रकार के व्यसनों में लगा रहता है, फिर निकृष्ट व्यक्तियों को संग करता है और शास्त्र एवं सत्पुरुषों के द्वेष करता हुआ लंपट बन जाता है। भगवान की माया रूपी औरत को देख उसके हाव भाव से प्रसन्न हो उस औरत के ठगे जाने पर महामोह में ऐसे गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिरता है। हिरनी हाथी पतंगा भौरा आदि मछली ये 5 क्रमशः शब्द स्पर्श रूप गंध और रस इन 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग कराता है। इन 5 विषयों में से एक में आसक्ति होने के कारण ही मर जाते हैं। अभिषित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण वह अस्वक्त व्यक्ति स्वयं अनेक नाश हेतु उसके अकस्य व्यक्ति से शत्रुता कर लेता है।
इस प्रकार व्यक्ति इस प्रकार अधिक बलशाली एवं अन्य आसक्त व्यक्तियों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी शक्तिशाली एक हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयाशक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियां पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजद की प्राप्ति उससे भी कठिन है। अति दुर्लभ द्विजद को प्राप्त कर जो व्यक्ति उनकी रक्षा करने के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहता है उसके हाथ में आया हुआ अमृत के समान पवित्र यह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। युवा अवस्था में दुख उठाकर वृद्धावस्था में अनेक बीमारियों से ग्रस्त होकर बहुत अधिक दुखी होता है। वह मृत्यु के चंगुल में फंसकर पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाने के तथा मनुष्य लोक में आना ऐसे कर्म पाश में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते क्योंकि भगवान की माया से वे मोहित रहते हैं। हे गरुण, इस संसार में अत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है वे ऐसे पापियों की गति नहीं होती। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? छठवां अध्याय समाप्त।